Welcome to speedearning.com. Today we are discussing technical analysis, and in technical analysis there is one type of chart that is called candlestick chart. Now what is candlestick? How does candlestick form? Candlestick banta kaise? तो कैंडलस्टिक चार तरह की चीजों से बनता है. चार रीडिंग्स जो एक चार्ट में होनी चाहिए, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. हाई, ओपन, लो एंड दिस इज क्लोज. तो आप ऐसे देखें, यहाँ पे कोई शेयर ओपन हुआ, फिर नीचे गया, नीचे से रिकवरी आई, ऊपर ये हाई बनाया और वहां से गिर के यहाँ पे क्लोज हुआ. ठीक है, तो ये रियल बॉडी बन गया. This is the real body. अगर open नीचे है, close ऊपर है. If close is more than open, then this is a bullish candle. Bullish candle होगी तो अलग अलग color से denote की जाती है. Bullish candle के लिए green या blue color होता है, या white color होता है. Green, blue or white. और बेरिश कैंडल के लिए रेड या ब्लैक कैंडल होती है. तो यहाँ बोर्ड पे हम आपको ये ब्लैक कैंडल जो बता रहे हैं ये बेरिश कैंडल्स हैं, और जो व्हाइट कैंडल बताएंगे वो बुलिश कैंडल है, जो ऊपर बढ़ के बंद हुआ स्टॉक का प्राइस. तो यहाँ पे आप ये रियल बॉडी बोलते हैं इसको. ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, इसका मतलब बढ़ के बंद हुआ बुलिश कैंडल है. तो इसका कलर व्हाइट ही रखेंगे, बुलिश कैंडल. और अगर इसी कैंडल में ओपन यहां हो, क्लोज यहां हो, लो यही और ये हाई है, तो ये बेयरिश कैंडल बन जाएगा. इसको हमको ब्लैक से डिनोट करना होगा, दिस इज ब्लैक कैंडल. अब कैंडलस्टिक में अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं. दिक्कत ये है कि हम उसपे कंफ्यूज हो जाते हैं. मतलब अगर हम किसी भी चार्ट को देख रहे हैं तो उन चार्ट्स में पहले तो उन 25-30 पैटर्न्स को दिमाग में रखना, और फिर उन पैटर्न्स को वहाँ चार्ट में पहचानना, और पहचानने के बाद में डिसीजन लेना, ये एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर के लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाती है. इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को सारा समझ के, सारी डेफिनेशन याद करने के बाद भी ट्रेडर एक बार साइड में रख देता है, और वो चीज़ें उसके लिए कभी अप्लीकेबल नहीं हो पाती. तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे वो चीज़ें जो आप आसानी से समझ के अप्लाई कर सको, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे डिस्कस करके धीरे से समझाएं, ताकि उसका अगर एक बार फायदा आपको मिल गया तो आप उसको आसानी से कंटिन्यू करना चाहेंगे. सो वी आर डिस्कसिंग हियर, सपोज आफ्टर अ स्मूथ डाउनफॉल. डाउनफॉल कैसे होता है? कैंडलस्टिक होने का मतलब ये है, अलग अलग टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक होती है. एक 5 मिनट कैंडल होता है, 15 मिनट कैंडल होता है, या इंट्राडे कैंडल होता है. इंट्राडे कैंडल, तो हर एक तरह के कैंडलस्टिक चार्ट में आपको ये पता लगता है कि बाजार किस मूड में आगे बढ़ा, किस मूड में नीचे गिरा, उसका रेट ऑफ चेंज क्या था. तो यहाँ पे ये स्मूथ डाउनफॉल बता रहे हैं कि पहले एक छोटी मंदी आती, देर इज ए स्मॉल सेलिंग डाउनफॉल, देन देर इज ए बिग ग्रेट कैंडल. वो कैसे रहा इस चीज को देखते हैं. यहाँ से इसने एक दिन खुला, जहां पे हाई था वहीं से गिरना शुरू किया, हाई को क्रॉस ही नहीं किया. तो हाई और ओपन सेम हो गए, वहां से गिरावट हुई, थोड़ी सी रिकवरी होकर बंद हुआ, एवरेज के नीचे ही था, सेलर ही ज्यादा थे. नेक्स्ट डे फिर खुला, थोड़ा नीचे खुला, हल्का सा हाई बनाने की कोशिश की, कल का हाई नहीं तोड़ पाए, लुढ़क के नीचे आया, और ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई, नीचे ही बंद हुआ. नीचे मतलब इस कैंडल का अगर मैं हाफ निकालूं तो इस हाफ के नीचे ही बंद हो रहा है, कह सकते हैं हम लोग कि एवरेज के नीचे बंद हुआ, ऐसे एक नज़र में देख के. फिर तीसरा कैंडल सबसे बड़ा बना. आप ये कैंडल स्टिक में देखते हैं, पहला कैंडल छोटा होता है, दूसरा थोड़ा बड़ा होता है, तीसरा बहुत बड़ा होता है. तीसरा कैंडल बनने के बाद में ये गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुल के गिरा, गैप डाउन खुल के और नीचे गिरा,
तो लगातार मंदी का दौर था। मंदी में आखिरी दिन कयामत का, जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि जहां से लोगों को लगता है कि अब इसको पलट जाना चाहिए और अंदाजा लगाते हैं, वहां से एक बड़ी गिरावट आती है जो सारे स्टॉप लॉस तोड़ देती है, आपके अंदर का जितना हौसला है वो खत्म कर देती है। तो अगर किसी ने बगैर किसी हेजिंग के समझो फ्यूचर उठा के रखा, एलएनटी का फ्यूचर उठाया 1400 रुपए में, एलएनटी खुल गया 1380 और उसने 1340 का लो बनाया और वहां से पलट के फिर वो शाम को भले ही 1450 या 1480 बंद हो जाए, लेकिन आपको इतना एम टू एम दिखा देगा कि आपकी पोजीशन या तो आप खुद काट देंगे या ब्रोकर काट देगा। तो यहाँ पे इस कैंडल में आप क्या देख रहे हैं, एक बड़ी रिकवरी आई और उस रिकवरी के बाद ये एवरेज के ऊपर बंद हुआ, वो लगभग जहां खुला था वहीं आ गया, प्लस होने की कंडीशन में आ गई चीज। इसको बोलते हैं हैमर, हैमर पैटर्न, हथौड़े जैसा ही आपको दिखता है, दिस इज द हैमर पैटर्न। अब इस हैमर पैटर्न में अगले दिन एक ग्रीन कैंडल यहां पे, व्हाइट कैंडल यहां पे बन रही है, ये व्हाइट कैंडल बना और ये व्हाइट कैंडल जहां इस हाई को क्रॉस करता है वहां पे आपका बाय सिग्नल बनता है। इस बाय सिग्नल के साथ आप इस पोजीशन में बने रहिए, नेक्स्ट डे एक छोटी सी तेजी दिखेगी, फिर से ऐसा लगेगा कि शायद सेलिंग आ जाए, आपको और तेजी कंफर्म नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग इसी पहली तेजी में ही निकल जाया करते हैं। ऑन द फर्स्ट बुलिश कैंडल, एक छोटी सी स्मॉल बुलिश कैंडल, देन देयर इज अ बिग व्हाइट कैंडल, फिर एक बड़ी व्हाइट कैंडल बनती है और यहां गैप अप खुलने के बाद ये यहाँ एवरेज के नीचे बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे जब एक रेड ब्लैक कैंडल बनना शुरू हो और इसका ये लेवल टूटे, वहां से आपको एग्जिट हो जाना है। ये ब्लैक कैंडल बनी और जैसे ही इसने यहाँ का ये लो तोड़ा, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे एग्जिट। तो ये पूरा पैटर्न हमने आपको बताया, इसमें हैमर को हमने डिस्कस किया है और आपके समझने की भाषा में डिस्कस किया है। कई बार टेक्निकल भाषा में आप इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि हो क्या रहा है। तो जो चीजें हमने आपको पहले ही ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स में समझाई है, उन सारे प्रिंसिपल्स का निचोड़ करके, इनका सारा एक्सट्रैक्ट लेके वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, तो आप उनको सिंपली अप्लाई करते हैं तो भी आप यही सब करते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हमने हैमर पैटर्न का यूज देखा, यहाँ बाई सिग्नल है, जब इसने हैमर का हाई तोड़ा आप वहाँ से बाई करते हैं और जैसे ही ये इधर लो तोड़ के नीचे आता है आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आप कैसे करेंगे, सारे चार्ट्स को देखते रहें, जहाँ बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, जैसे आप सपोज आपने अभी देखा कि रिलायंस कैपिटल या DLF या यूनिटेक में बहुत बड़ी गिरावट आई है, तो वहाँ पे देखें कि हैमर कहाँ बन रहा है और हैमर को कैसे क्रॉस करके जा रही है और वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। थैंक यू।